हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। सो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेटवर्क डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोग उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग आज के सेशन में लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टॉपिक दिया नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर हम लोग राउटिंग स्विचिंग का कोर्स करते तो हमें जो नीचे में मैंने जो कंटेंट लिखा है उसमें के नेटवर्क डिवाइसेस हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हूँ मैंने हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, आईपी फोन एंड डब्ल्यूएससी। हमारा मोस्टली फोकस रहेगा स्विच एंड राउटर के ऊपर, क्योंकि हमारा कोर्स का नाम ही है राउटिंग एंड स्विचिंग। ओके, स्टिल हमें बाकी की चीज़ें के बाकी के जो डिवाइसेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हब। हब ये एक पहली बात तो हब अभी मार्केट में नहीं है, ठीक है। हब ये लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब हमारे पास एक या दो कंप्यूटर था उसको कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन तो आसानी से होता था, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स थे तो उस सिचुएशन में मुझे एक स्मॉल लैंड नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हब डिवाइसेस का काम पड़ता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी भी अटैच किया। ओके, सो यहाँ टोपोलॉजी नहीं, डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्मॉल डिवाइस है, हब डिवाइस है। ओके, 8 पोर्ट का हब डिवाइस है, यहाँ पे स्विच दिया, बट एक्चुअली हब ही डिवाइस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं RJ45 पोर्ट है। RJ45 पोर्ट से मैं अपने यूज़र पीसी कनेक्ट कर सकता हूँ, लैपटॉप कनेक्ट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर पोर्ट्स के थ्रू। ओके, सो हब एक बेसिक लैंड नेटवर्क क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब नया नया टेक्नोलॉजी आया था, नया नया लैंड सेगमेंट क्रिएट करना था, नए नए तरीके से लैंड नेटवर्क क्रिएट करना था, उस टाइम पे हम लोग हब का वगैरह यूज़ कर सकते थे। ये लाइक ना एक प्लग एंड प्ले डिवाइस था, जैसे कि आजकल पेन ड्राइव आते हैं, प्लग एंड प्ले, कनेक्ट करो वर्क कर जाएगा, सेम उस तरीके से होता है। बट हब का अगर मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ, सो हब क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास ये एक यूज़र है, जस्ट कंसिडर ये मेरे यूज़र है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC, और ये वाला यूज़र है इसका नाम है XYZ। ओके, अगर मुझे ABC को XYZ के साथ कम्युनिकेशन करना है तो ABC क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डिवाइसेस के ऊपर अपना डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करने से क्या होगा, ना कि XYZ बाकी जितने भी यूज़र्स हैं, जो ये यूज़र्स दिख रहे हैं जिसके ऊपर कनेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर RJ45 के ऊपर, जो भी पोर्ट्स कनेक्ट रहेगा, जो भी यूज़र पीसी कनेक्ट होगा उसको भी वो डेटा मिल जाएगा। ओके, तो मतलब ये क्या होता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है हब डिवाइस। बट ये होता है सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि स्टार्टिंग में हमारा जो रिक्वायरमेंट था कि मल्टीपल यूज़र को कनेक्ट करना इन लैंड सेगमेंट के थ्रू, वो तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, लेकिन बात तब आ गई जब अब ये फर्स्ट यूज़र था, उसको लास्ट वाले यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करना था और वो कर भी रहा था, बट जस्ट कंसिडर करो कि कुछ कारण की वजह से एक दूसरे के बीच में बम्बार्डिंग हो गया, डेटा का कोलिजन हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डिवाइस ही डाउन हो जाता है। हब में लाइक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ओके, सो अभी जस्ट कंसिडर करो, ये बाकी के जितने भी यूज़र है तो अपना काम कर देते, प्रॉपर रूप से अपना डेटा सेंडिंग कर देते, रिसीव कर देते, इनके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट यूज़र, मैं फर्स्ट एंड लास्ट मतलब पोर्ट की बात कर रहा हूँ, यूज़र की बात कर रहा हूँ, अगर इनके बीच में कुछ भी कोलिजन हो गया, या तो भी फर्स्ट या थर्ड के बीच में भी कुछ भी कोलिजन होता है डेटा का, तो पूरा का पूरा डिवाइस डाउन हो जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता, डिवाइस डाउन, जितने भी नेटवर्क कनेक्टिविटी हम लोगों ने लैंड लैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ सबका सब डाउन हो जाएगा। तो लाइक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। तो मार्केट में स्टार्टिंग में तो चला, बट कुछ कारण की वजह से मार्केट से रिमूव हो गया। अभी मैंने जहाँ तक मुझे पता है अभी कोई भी हब या डिवाइसेस का यूज़ नहीं करता। अगर हम लोग घर घर में भी यूज़ करते, एक स्मॉल स्विच ही ले लेते, ठीक है, उसके बाद हम लोग जंप करते स्विचेस के ऊपर। ओके, तो स्विच जनरली स्विच इस तरीके से दिखता है। स्विच में भी दो तीन टाइप्स के स्विचेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं स्विच के बारे में बताऊंगा। स्विच इज़ ए इंटेलिजेंट डिवाइस। ये L2 डिवाइसेस, L2 लेयर पे काम करता है। अभी L2 लेयर क्या होता है, जब मैं OSI लेयर पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा L2 लेयर क्या होता है, उसका फंक्शनैलिटी क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले स्विच इज़ ए इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच क्या करता है, स्विच इज़ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन।
जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट से हब तो निकल गया था, ठीक है, तो उनको उसके रिप्लेसमेंट, क्योंकि लैन नेटवर्क क्रिएट करना है तो हमें कुछ ना कुछ हब जैसा ही डिवाइस चाहिए। हालांकि दोनों में सेम तरीके से ही दिखता है, अगर मैं हब को और इसका डिज़ाइन देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन स्विच थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है, तो उसमें वही थोड़े बहुत फीचर्स एक्स्ट्रा है जो कि मैं आपको बताऊँगा। ओके, हालांकि आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में, और इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्विच क्या है, राउटर क्या है, किस तरीके के प्रोटोकॉल है, ब्ला 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 थिंग्स। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्विच इज़ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेकिन ये होता है मल्टीपल कोलिजन डोमेन। ओके, मल्टीपल कोलिजन मीन्स क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे पोर्ट्स दिए हुए, जैसे कि मैंने सभी के सभी पोर्ट्स को यूज़र कनेक्ट कर चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे में पोर्ट्स देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने 6 यूज़र को कनेक्ट कर चुका हूँ। ओके, अभी जस्ट कंसिडर करते हैं कि मेरा ये वाला यूज़र ABC एंड द लास्ट वन यूज़र इज़ XYZ, ये यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन होते होते इनके डेटा एक दूसरे के साथ बम्बार्डिंग हो गया, कोलाज हो गया, ठीक है। अगर मैं हब डिवाइसेस की बात करता था तो पूरा का पूरा शट डाउन हो जाता था, हब का पूरा डिवाइस बन बैठ जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा मेरा लैंड नेटवर्क बिगड़ जाता था, बैठ जाता था, ठीक है। लेकिन हब स्विच में इस तरीके से नहीं होता है। स्विच इज़ अ मल्टीपल कोलिजन डोमेन, ये बोलता है कि अगर ABC यूज़र XYZ के साथ कम्युनिकेशन करते हो, कुछ भी डेटा कोलिजन होता है तो ये पर्टिकुलर पोर्ट डाउन होता है, ना कि स्विच डाउन होता है। जितने भी अनदर यूजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिल कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसीलिए स्विच को बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड द मल्टीपल कोलिजन डोमेन। ओके, सो स्विच का प्रॉपर्टी ये है, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग इन फ्यूचर में देखने वाले हैं। ओके, स्विच भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विचेस होते हैं। तो मैनेजेबल स्विचेस जो होते हैं जिसके अंदर हम लोग कॉन्फ्रेशन वगैरह कर सकते हैं, जो हम लोग VLAN VTP STP का बहुत सारा कॉन्फ्रेशन है इन फ्यूचर वो आने वाला है, तो हम लोग वो मैनेजेबल स्विचेस के ऊपर करने वाले होते हैं। और सेकंड होता है अनमैनेजेबल स्विचेस। अनमैनेजेबल स्विचेस इस सेम एज हब जिसको हम लोग प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है मैनेजेबल स्विचेस के ऊपर है जो हम लोग सीखने वाले हैं। थर्ड थिंग इज अबाउट द राउटर। राउटर एक डिवाइस होता है, राउटर मोस्टली क्या करता है, राउटर इज़ ए L3 डिवाइस। ओके, बुक में तो यही लिखा है, ठीक है, राउटर इज़ ए L3 डिवाइस। अभी L3 डिवाइस क्या होता है जो आपको डिटेल में पता चलेगा जब मैं OSI लेयर्स पढ़ाऊंगा। L3 लेयर मतलब नेटवर्क लेयर, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं नेटवर्क लेयर में बताऊंगा। ओके, अगर आपको कोई पूछता है कि राउटर क्या होता है, राउटर इज़ अ डिवाइस, राउटर एक डिवाइस होता है जिसको मैं एक इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे में एक यहाँ पे कनेक्ट किया, एक आइकॉन डाला है, ठीक है, सेम इस तरीके से। राउटर क्या करता है, राउटर इज अ डिवाइस वेयर वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर मेरे पास दो और दो से ज़्यादा नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क, अगर मुझे उस पर्टिकुलर नेटवर्क को जोड़ना है तो मुझे L3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है राउटर। ओके, राउटर दो टाइप्स के होते हैं, एक वायर होता है, एक वायरलेस राउटर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल वायरलेस राउटर जो मैं घर पे यूज़ करता हूँ। ओके, इस तरीके का ही राउटर होता है, ये होता है मेरा अनमैनेजेबल। आजकल इस तरीके से भी दिखने वाले राउटर मैनेजेबल राउटर्स भी आ चुके हैं जिसके अंदर हम लोग कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये मेरे पास वायरलेस राउटर है, ठीक है, और सिस्को के काफ़ी सारे टाइप्स के राउटर्स हैं, सिस्को के भी राउटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ के। अगर मैं अनदर वेंडर के भी राउटर की बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनके खुद के भी राउटर्स हैं, HP वगैरह है उसमें, ठीक है, सिस्को के भी बहुत सारे राउटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ के राउटर हैं। सो राउटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ बेसिकली कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स। ओके, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसमें पैकेट वगैरह किस तरीके से फ्लो होता है, वो सब कुछ सब चीज़ें हम लोग राउटिंग में सीखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ अबाउट द फायरवॉल। फायरवॉल जैसे मैं सुनता हूँ तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि फायर, फायर मतलब क्या होता है कि आग,
और वॉल, वॉल मतलब दीवार। ओके, तो मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के लिए फायरवॉल क्या होता है, हमारा डोर, डोर को हम लोग लॉक मार के ही बाहर जाते हैं। सेम एज नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस का यूज़ होता है वो बेसिकली यूज़ होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी फायरवॉल भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के, जैसे कि मैं बात करूंगा कि एक है सिस्को का, जिसका नाम फायरवॉल का नाम होता है ए से, उसके बाद होता है जूनिपर, पालो ऑल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिगेट, फोर्टीनेट। ओके, बहुत सारी कंपनीज के फायरवॉल होती है। ठीक है, हर कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग सुटेबल फायरवॉल बाय करती है अपने कंपनी के सिक्योरिटी, जो इंटरनल नेटवर्क है, इंट्रा नेटवर्क है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। ओके, फायरवॉल में काफ़ी सारे टाइप्स के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज होते हैं, जिसके लिए एक सेपरेट कोर्स है। सेपरेट कोर्स मतलब अगर मैं CCNA सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो उसमें फायरवॉल के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, सो हालांकि हम लोग CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में फायरवॉल के बारे में कुछ भी कवर करने वाले नहीं, जस्ट एक बेसिक इंट्रो देना था मुझे आपको फायरवॉल क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको फायरवॉल के बारे में बताया। सो बेसिकली जैसे कि कंसिडर करो कि हमारे पास एक राउटर है, राउटर ये पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्ट है और ये मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो मेरा इंटरनेट नेटवर्क हो गया, लेकिन अगर मुझे बाहर जाना है मतलब इंटरनेट के पास जाना है तो मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, एक सिक्योर रूप से जाना है तो मुझे फायरवॉल का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि इंटरनेट के साइड से भी अगर कोई यूज़र मेरे लैंड नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है तो उसको फायरवॉल के थ्रू आना पड़ेगा। ओके, सो फायरवॉल इज़ बेसिकली यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। फायरवॉल के ऊपर हम लोग रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, पैकेट और एप्लीकेशन लेवल को फिल्टर भी कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के रूल्स होते हैं तो हम लोग वो डिफाइन कर सकते हैं। जनरली मैं अभी 40 गेट AC फायरवॉल के ऊपर वर्क करता हूँ, एज वेल एज राउटर एंड स्विचेस के ऊपर वर्क करता हूँ, तो फायरवॉल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है छोटे या बड़े नेटवर्क में। ओके, सो फायरवॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द IP फोन। IP फोन इज़, जैसे कि आप नाम पढ़ के समझ गए तो ये IP फोन होता है। जनरली IP फोन हमारे, जैसे कि मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, हमारे नेटवर्क में भी IP फोन का यूज़ किया गया है। हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए IP फोन का यूज़ करते हैं। IP फोन सेम एज हम लोगों को इसके ऊपर पर्टिकुलर IP एड्रेस वगैरह देखे कॉन्फिगर करना पड़ता है। तो हम लोग जैसे कि एक्सेस पॉइंट होता है, एक्सेस पॉइंट को जितने भी एक सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए एक डिवाइस होता है उसका नाम होता है WLC, जो कि मैंने नीचे में कवर किया है। सेम एज IP फोन को मैनेज करने के लिए जो डिवाइस होता है वो तो कॉल मैनेजर। सो कॉल मैनेजर के थ्रू हम लोग IP फोन को कॉन्फिगर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी सिम कार्ड जैसा चीज़ नहीं होता है, जैसे कि हम लोग घर पर देखते हैं उसका कुछ बिलिंग वगैरह सिस्टम, इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता है। हम लोग IP एड्रेस के थ्रू इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोसीजर ऑफ द IP फोन। सो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनी जो इंटरनेटवर्क में भी IP फोन का यूज़ करते हैं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इन फ्यूचर शायद से IP फोन भी आ सकते हैं मार्केट में, और अभी ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन लाइक इट्स नॉट लाइक ओपनली फॉर द पब्लिक, तो ये सबके लिए ऐसा अवेलेबल नहीं है। ओके, सो मोस्टली मैं कंपनी में देख चुका हूँ IP फोन यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द WLC। WLC अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट स्विच की तरह दिखता है या तो फिर राउटर की तरह दिखता है, आप बोल सकते हो, बट वायरलेस कंट्रोलर। वायरलेस कंट्रोलर एग्जैक्टली क्या करता है, वायरलेस कंट्रोलर काम करता है जो आपके एक्सेस पॉइंट होते हैं उसको एक सेंट्रलाइज मैनेज करने का काम होता है। ठीक है, वायरलेस कंट्रोलर मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ सिस्को का। ठीक है, बहुत सारे टाइप कंपनीज के वायरलेस कंट्रोलर आते हैं, जैसे कि अरूबा करके और एक कंपनी है, उसका भी वायरलेस कंट्रोलर आता है। सो वायरलेस कंट्रोलर मोस्टली एक्सेस पॉइंट क्या करता है, जो आप बोलते हैं ना वाईफाई, जो कि आजकल मार्केट में अभी आप काफ़ी सारे प्लेसेस पे देखते हो कि फ्री वाईफाई वगैरह मिलता है। ठीक है, तो सेम एज जैसे कि हम लोग घर पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं, जो एक राउटर होता है वो भी एक स्मॉल एक्सेस पॉइंट ही होता है। उसी तरीके से काफ़ी सारे टाइप्स के एक्सेस पॉइंट होते हैं। जैसे कि मैं आप सिस्को के एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करूं तो सिस्को में बहुत सारे ऐसे एक्सेस पॉइंट हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर फीचर नहीं होता, उसको एक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर हम लोग मैक वगैरह बाइंड करके, मैक बाइंड करना, पॉलिसी फिल्टरिंग करना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके उस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट को एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करके
उसके ऊपर हम लोग सिग्नल रेडिएट कर सकते हैं या तो SSID रेडिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती है? ये सब चीज़ें होती है वायरलेस कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, सो इंडोर एंड आउटडोर एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना या तो फिर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर के सेंट्रलाइज डिवाइसेस थ्रू मैनेज करना, तो उसके लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है WLC डिवाइस। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन में आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हब हब इज़ अ डिवाइस, ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड सिंगल कोलिजन डोमेन। अगर सिंगल कोलिजन भी होता है तो मेरा ये डिवाइस डाउन हो जाएगा। सेकंड थिंग इज अबाउट द स्विच, स्विच इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस, L2 लेवल पे काम करता है, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड द मल्टीपल कोलिजन डोमेन। अगर मल्टीपल कोलिजन भी होता है तभी भी स्विच वर्क करेगा। उसके बाद आता है राउटर, राउटर इज बेसिकली यूज फॉर अगर मेरे पास दो और दो से ज़्यादा डिवाइस नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क अगर उसको कम्युनिकेशन करना है तो राउटर ये डिवाइस का यूज़ होता है। फायरवॉल, फायरवॉल बेसिकली यूज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पज, जितनी भी बड़ी कंपनीज रहती होती है उसको अपना इंट्रा नेटवर्क बचाना है या तो फिर इंटर नेटवर्क के साथ जो भी ट्रैफिक आता है उसको पॉलिसी फिल्टर करना है, राउट्स लगाना है, मैपिंग करना है। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो फायरवॉल के थ्रू होता है। फायरवॉल इज बेसिकली यूज फॉर द सिक्योरिटी। ओके, जो हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी है उसके लिए। उसके बाद आता है आईपी फोन। आईपी फोन सेम एज द नॉर्मल फोन, उसको हम लोग आईपी फोन आईपी के थ्रू कॉन्फिगर करते हैं। उसको आईपी फोन को सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ होता है वो होता है कॉल मैनेजर। उसके बाद आता है WLC, WLC स्टैंड फॉर द वायरलेस कंट्रोलर। और वायरलेस कंट्रोलर का यूज़ होता है कि जितने भी हमारे पास एक्सेस पॉइंट होते हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर SSID जनरेट, SSID क्रिएट करके उसको रेडिएट करना। उस पर्टिकुलर लाइक एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है जो भी एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने का काम करता है। ओके, सो इस तरीके से हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली फोकस करने वाले स्विच एंड राउटर के ऊपर जो कि हमारा कोर्स कंटेंट है स्विचिंग एंड राउटिंग। तो अभी तो मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, किस तरीके से होते हैं, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर ये थोड़ा डिटेल में जा जा के एग्जैक्टली पॉलिसीज क्या होती है, किस तरीके से राउट्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग राउट को पढ़ना है, टोपोलॉजी को पढ़ना है, किस तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन करना है, आईपी एड्रेस करना है, क्रिएट करना है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आगे के फ्यूचर लेक्चर्स में देखने वाले। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मेरा लिंक है कोर नेटवर्क ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।